कैलकुलेट करना है, यानी इकाइंग कौन सा होगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब किसी की पावर कुछ भी दी हुई हो उसमें चार का भाग देना, चार का भाग देने के बाद यदि तीन शेषफल बचता है तो पावर लगा देना तीन, भाग देने के बाद यदि शेषफल बचता है दो तो उसकी पावर लगा देना दो किसी संख्या में, यदि शेषफल बचता है वन तो पावर लगा देना वन, और यदि शेषफल बचता है जीरो तो पावर लगाना उसमें चार। सब में भाग दे लो किसका, चार का। 9 × 7 चार का भाग दें कितना शेष, 5, यानी दो बार चल जाएगा तो इकाई अंक एक बचेगा। इसमें भाग देंगे कितना तो 3 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा, इसमें भाग जाएगा नहीं तो गुणा कर लेते हैं, 3 × 9, 9 में यदि भाग दें 4 का, 4 × 2 = 8, तो शेष फल बच रहा है 1, यानी कि 2 की पावर यदि 1 करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 2। यानी कि ये संख्या है इसमें इकाई अंक पूछा है आपसे, यदि इससे पावर कैलकुलेट करें कि यानी कि 2 की पावर कितनी होगी, तो 4 का भाग दे के देख लेना, कोई भी संख्या है तो मल्टीप्लाई करके 4 का भाग देना या फिर अलग अलग 4 का भाग दे के देख लेना। यानी 4 का भाग इसमें दिया, दो बार गया, एक अंक बचा शेष, इसमें भाग दिया 4 का, 3 शेषफल बचा, इसमें दिया 5 में 4 का भाग, 1 शेषफल बचा, इसमें जाएगा नहीं तो 3 आपस में गुणा कर देना इसको, यानी कि 1 × 3 × 1 × 3 × 1, जो आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। 9 में एक बार और देना 4 का भाग, क्योंकि 4 का भाग अभी जा सकता है, कितनी बार जा सकता है, 2 बार, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। जब शेषफल 1 बच रहा है, जो यूनिट डिजिट दे रखी है उसकी पावर 1 कर देना, वही क्या होगा अपना इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना हो गया, 2। यानी कि यूनिट डिजिट आंसर क्या आ गया, 2। ऑप्शन में अपने दिया हुआ है इकाई अंक किसी संख्या का कितना है, इस संख्या का 2, तो आंसर क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा था इकाई अंक का, इससे पहले पूछा था विभाजिता का, डिविजिटी रूल, और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 34, यानी 5 धन पूर्णांक दे रखे हैं, पी क्यू आर एस और टी, में से बीच में लिख रहा है आवश्यक नहीं कि ये एक क्रम में हो, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में होंगे, तीन सम है इनमें से, तीन जैसे क्वेश्चन लिख रहा है तीन लिख रहा हूं, तीन सम है और उनमें से दो विषम है, दो विषम है निम्न लिखित पर विचार कीजिए, अपन क्या विचार करने लगते हैं। ऑप्शन इसमें सेंटेंस दिया एक, पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस एस माइनस टी निश्चित रूप में सम है, निश्चित रूप से सम। सेकंड दिया है 2p प्लस q प्लस 2r माइनस 2s प्लस t
निश्चित रूप से विषम है। कथनों पर निम्न उपरोक्त कथन है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि जो कथन दिए हैं इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए था अपना केवल एक हो गया। ऑप्शन बी है केवल दो सही है, और सी है एक और दो। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, न तो एक और न ही दो। ये क्वेश्चन था अपना 2023 में पूछा है, सम और विषम पे है। पूरा लास्ट क्लास में मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया सम और विषम, यानी पांच संख्याएं। कितनी संख्याएं, कौन सी है, धन पूर्णांक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर यानी 0, 1, 2, 3 इस तरह से PQR और ST पांच नंबर है। कोई में से आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में होंगे, यानी कि आगे पीछे भी हो सकते हैं। तीन क्या है इसमें, सम है, यानी कि इवन नंबर कितना है, तीन, कोई से भी हो सकते हैं तीन। दो क्या है, विषम, यानी कि ऑड नंबर कितना है इसमें, दो, यानी कोई से भी दो हो सकते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है, क्वेश्चन कह रहा है P+Q+R -S और -T निश्चित रूप से क्या है, सम। अरे चेक करना है अपन को कि सम है या विषम। यदि अपन लेते हैं तीन इवन प्लस इवन क्या आता है, इवन ही आता नंबर। मैंने बताया जब दो इवन नंबर को जोड़ते हैं, जैसे 2+6 जोड़ा कितना आया, 8 क्या है, इवन नंबर। जब यदि इसको इवन मानते हैं, इसको भी इवन मानते हैं, इसको भी इवन मानते हैं, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन जब लेते हैं 1s+ क्या आता है, t। इसको ऑड मानते हैं और इसको भी ऑड मानते हैं, लास्ट क्लास में बताया ऑड प्लस ऑड करते हैं तो क्या आता है, इवन ही आता है। यानी कि 1+3 किया भाई, इवन नंबर ऑड नंबर दोनों को सम किया कितना, 4 क्या है, इवन नंबर। 3+5 किया कितना, 8 क्या है, ऑड, यानी कि इवन नंबर है। दोनों ही ऑड नंबर हैं, पर लेकिन दो ऑड नंबर का यदि सम करते हैं तो क्या आता है, इवन नंबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, इवन नंबर। इन तीनों का आपस में सम किया इवन नंबर, और इन दोनों का आपस में सम किया तो भी इवन नंबर, और दो इवन नंबर के लिए डिफरेंस निकालें यदि 2+4 यानी कि 8 - 2 निकालें कितना आएगा, 6। 10 - 4 करें कितना आएगा, 6। यानी कि जब इवन नंबर है दोनों, 8 और 2 क्या इवन नंबर है, 10 और 4 क्या इवन नंबर है, 8 - 6 कितना आया, 2। तो हमेशा याद रखना जब दो इवन नंबर का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आता है, इवन नंबर। तो ये निश्चित कह सकते हैं कि जो संख्या आएगी इसमें, क्योंकि तीन तो क्या है, सम है, एक क्या है, विषम, इसमें आपस में कोई सी संख्या ले सकते हैं, तो निश्चित कह सकते हैं क्या आएगा, सम है। एक कथन अपना कंफर्म सही हो गया कि यदि इन तीनों को इवन ले लें या फिर इन तीनों को इवन ले लें तो भी क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा इनको यदि कैलकुलेट करें तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बता दी, ऑड प्लस ऑड करते हैं तो क्या आता है, इवन नंबर। एग्जाम्पल रख के देख लीजिए, इवन प्लस इवन करते हैं तो क्या आता है, इवन ही आता है। एग्जाम्पल देख के आपको दिखाया, इवन माइनस इवन करते हैं तो भी क्या आता है, इवन ही नंबर आता है। यदि डिफरेंस यदि करते हैं दोनों संख्याओं का तो क्या आता है, इवन नंबर, यानी सम संख्या ही आती है।
तो इस तरह कह सकते हैं कि कथन केवल एक तो सही है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि इसको इवन लेते हैं, इसको इवन लेते हैं, इसको भी इवन ले लेते हैं, क्योंकि तीन तो अपन को इवन है अपने पास, सम संख्या है, तीन तो सम संख्या है। जब दो संख्याओं का इवन इनटू इवन करते हैं यानी कि इवन इनटू इवन, टू इनटू इवन फोर कितना आधुनिक आठ, यानी कि जब इवन नंबर का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी क्या आता है इवन नंबर। अगर दो से मल्टी, दो क्या इवन नंबर है, दो को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा इवन आएगा। तीन अपन को इवन लेनी है तो ये तीनों क्या इवन, तो तीनों को ऐड किया तो भी क्या आएगा इवन नंबर। यदि इसमें ये ऑड ले लिया, ऑड इनटू ऑड किया तो हमेशा याद रखना क्या आता है ऑड ही आता है। एक इंटू तीन किया क्या आएगा तीन, पांच इंटू तीन किया कितना आएगा पंद्रह, ये तीन दोनों क्या है ऑड नंबर। यदि जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑड का इंटू ऑड से तो हमेशा याद रखना क्या आता है ऑड ही आता है। तो ये ऑड का दो से करेंगे यानी कि यदि दो से मल्टीप्लिकेशन करा किसी और संख्या का क्या आया तीन छः, सम आया। पांच का किया दो से कितना आया पांच दूनी दस, यानी कि सम संख्या आई। ओड लिया ओड गए चलो, जब ओड का दो से मल्टीप्लिकेशन करता है तो क्या आता है इवन नंबर, ये क्या है ऑड है। एक ऑड है एक इवन है क्या आता है ऑड नंबर। तीन हो गया, तो इसमें क्या आ रहा है ऑड नंबर। और संख्या रख सकते हैं क्या, इससे भी ऑड आ रहा है क्या, यहां तो इवन आ गया इवन। अगला देखते हैं इवन प्लस ऑड, भाई दो संख्या ऑड लेनी थी अपन को, ऑड को यदि दो से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है दो इंटू तीन करें, दो इंटू पांच करें, दो इंटू सात करें तो क्या आता है हमेशा इवन नंबर ही आता है, यानी कि इवन नंबर आ रहा है। जब इसको ऑड को दो से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है इवन नंबर ही आता है। पर लेकिन एक कंडीशन और रख के देख सकते हैं अपन इसमें, यदि इन दोनों को क्या कर दें ऑड कर दें, इसमें और रख के देख लेते संख्या क्या और संख्या, ठीक है ऑड प्लस यानी कि ऑड प्लस इवन, यानी कि ये तो इवन आ जाएगा। यदि दो सौ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इवन हो जाएगा, ऑड रखा था पर लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब किया तो क्या आ रहा है इवन नंबर, इवन आ गया। इवन को यदि ऑड से करते हैं या ऑड लेते हैं, एक प्लस दो कितना आता है तीन, तीन क्या है ऑड नंबर है, यहाँ ऑड आ गया या इवन, इवन प्लस ऑड दो प्लस तीन कितना पाँच। एक कंडीशन है विषम आ रहा है पर लेकिन एक कंडीशन और रख सकते हैं क्योंकि निश्चित नहीं हो सकता, निश्चित के लिए और कंडीशन भी, यानी सभी संख्याओं में मान के देखें तो निश्चित आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। टू पी प्लस टू आर माइनस टू एस प्लस टी, यदि अपन क्या करें दो संख्या तीन संख्या तो इवन लेनी है अपन, इनको इवन ले लेते हैं, ये इवन ले लिया ये इवन ये इवन, अब बचा क्या ये दोनों ऑड बचे हैं, दो संख्या क्या लेनी है अपन को ऑड। जब तीनों इवन है तो हमेशा क्या आएगा इवन आएगा,
ऑड प्लस ऑड करते हैं, हमेशा ध्यान रख, एक प्लस तीन किया कितना आ रहा है चार, फिर चार क्या है इवन नंबर, और इवन को यदि इवन से ऐड करते हैं तो भी क्या आता है इवन आता है। एक कंडीशन ये है इसमें क्या आ गई फॉल हो गई, यानी गलत हो गई, यानी कि हमेशा निश्चित नहीं है कि हमेशा क्या है विषम है। एक कंडीशन अपनी ये क्या आ गई सम आ गई, पिछली कंडीशन में तो विषम आ रहा था पर, लेकिन यदि अपन ने इसमें से इन तीनों को इवन मान लिया, क्योंकि तीन अपन को क्या मानना है इवन नंबर, यानी कि सम संख्या तीन मान रहे हैं, दो क्या मानना है विषम संख्या। यदि इन तीनों को सम संख्या मान लें और इन दोनों को विषम मान लें तो हमेशा क्या आ जाएगा सम आ जाएगा, ये निश्चित नहीं कह सकते कि इसमें विषम आएगा, इसलिए क्या हो गए ये गलत हो गया। तो इसलिए अपना ऑप्शन निम्न में कौन सा सही है, तो इसका आंसर क्या है केवल एक सही है। तो ये मैंने आपको डिटेल से इसीलिए कराया क्योंकि अपन इवन और ऑड का लास्ट में अपन लास्ट क्लास में आपको डिटेल से बताया था, उसी पे बेस क्वेश्चन पूछा था, ज़्यादा कठिन नहीं था। यदि आपको इवन ऑड की प्रॉपर्टी याद है तो आप इसको डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बताई थी, प्लस माइनस की प्रॉपर्टी बताई थी, तो उन्हीं प्रॉपर्टी को बेस मानते हुए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया केवल एक सही। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा था, एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें, तो वो करा देता हूँ इवन और 35 क्वेश्चन है नंबर का। अभाज्य संख्या पी और भाज्य संख्या सी के बारे में निम्न लिखित निम्नलिखित पर विचार करें, विचार कीजिए। आप क्या विचार करने लगते हैं, एक है पहला कथन है P प्लस सी अपॉन पी माइनस सी सम हो सकता है, हो सकता है निश्चित नहीं है, एक कंडीशन ऑप्शन बी है दो सेकंड नंबर पे, टू प्लस सी विषम हो सकता है, एंड कैन बी पॉसिबल पी सी विषम हो सकता है, उपर्युक्त कथनों पर कथनों में से कौन सी सही, यानी कि इन कथनों में कौन सा सही है। ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी दो और तीन, ऑप्शन सी एक और तीन, ऑप्शन डी एक दो और तीन। ये क्वेश्चन था लास्ट ईयर का, यानी कि जो इस बार में निकला है 2023 का पेपर 2023 सी सेट। अभाज्य संख्या कौन सी पी, अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है दो से, दो तीन पाँच सात ग्यारह इस तरह से है। एक संख्या है भाज्य सी, भाज्य संख्या कौन सी होती है विभाजित हो जाती है, चार छ आठ नौ दस इस तरह से, के बारे में निम्न पर विचार करना है। अब ये ऑप्शन दे रखे हैं, एक पी प्लस सी पी माइनस सी सम हो सकता है क्या, यानी पॉसिबिलिटी है इसमें, यदि अपन रखते हैं दो रख लिया भाज्य, क्योंकि पी भाज्य है अभाज्य संख्या है और भाज्य क्या है सी, टू प्लस फोर रखा टू माइनस फोर
कितना आ रहा है, 6/2। क्या आ रहा है, विषम, द्वितीया एक कंडीशन गलत हो गई इसमें, इसका मतलब क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। क्या और कंडीशन हो सकती है क्या इसमें, यदि 9+11, 9, 11 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्लस 9 क्या है, भाज्य संख्या। 11 - 9 कितना आ रहा है, 20/11 में से 9 गया कितना, 2, कितना आ रहा है, 10 क्या है अपनी सम संख्या। इसका मतलब एक कंडीशन अपनी सही हो रही है, यानी एक कंडीशन अपनी सम, यानी कि इसका जो मान है सम हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं, यानी कि एक कंडीशन में विषम भी आ रहा है, एक कंडीशन में सम आ रहा है, इसका मतलब इसका मान सम हो सकता है, संभावना है। सेकंड देखते हैं, इसका मतलब एक ऑप्शन क्या हो गया, एक सही हो गया, यानी एक भी यदि हो सकता है, यानी कैन भी पॉसिबल है इवन नंबर, तब आप कह सकते हैं, यानी संभावना जो पूछी जाती है तो उसमें आप 50-50 रखते हैं, तो मान सकते हैं उसमें ये संभावना। इसमें क्या है, एक कंडीशन सही है, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सही है। 2 क्या है, इसमें गुणा हो रहा है किससे, अभाज्य संख्याओं से, अभाज्य संख्या 2 × 2 = 4 प्लस यदि इसमें 4 और ऐड कर, 4 × 2 = 8 हो जाएगा विषम, ये कौन सम संख्या आ गई, और लेकिन इसमें पूछ रहा है विषम संख्या। यदि इसमें रख लें अपन अभाज्य संख्या लेने 3, प्लस भाज्य संख्या ले लें 9, 3 × 6 + 9 क्या है, कितना आ रहा है, 15, 15 क्या है अपनी विषम संख्या, 6 + 9 कितना आ रहा है, 15। तो एक कंडीशन अपनी इसमें क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई कि एक संख्या है विषम संख्या हो सकती है, संख्या मान रख के देखना है इसमें, और यदि सम संख्या एक भी आ जाती है, यदि एक विषम आ जाती है, इसका मतलब संभावना है कि वो विषम संख्या हो सकती है, एक संख्या सम हो सकती है। इसमें देखते हैं, यदि इसमें 3 रख लें अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या रख लें 9, तो 9 × 3 = 27, 27 क्या है अपना विषम संख्या, इसका मतलब विषम संख्या एक हो सकती है। इसका मान यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या को भाज्य संख्या से यदि मल्टीप्लिकेशन करें और यदि विषम आ रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या विषम हो सकती है। तो कौन सा पूछा है, कौन सी संख्या, कौन सा कथन इसमें सही है, तो इसका मतलब ये अपना तीनों सही है। यदि इस तरह के क्वेश्चनों में आपको इवन और ओड नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है, तो आप याद रखना, सबसे पहले संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर यानी अभाज्य, भाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5 सबसे छोटी। भाज्य संख्या क्या है, 2 है, और वो भी क्या है, सम है, सबसे छोटी सम संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, 2, 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5 यानी स्वयं के अलावा किसी के संख्या का भाग नहीं जाए उसमें। भाज्य संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी उसमें भाग जाए, 4 है, 6, 8, 9, 10 इस तरह से 12, इस तरह कहाँ तक, अनंत तक। इवन नंबर क्या होते हैं, 1 इवन नंबर है, 2, 4, 6, 8 जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वो क्या है, विषम संख्या। तो इस तरह सम संख्या और विषम संख्या को आपको याद रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछे गए 2023 में, तो इस तरह के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी कराएंगे आपको 2022 वाले। तो इसमें इस साल 2023 में कम से कम संख्या नंबर सिस्टम से 12 से 15 क्वेश्चन के लगभग पूछे गए आपसे, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो इस तरह का अपन क्या है उसको डिटेल से और कराएंगे, उसमें जो भी आपका छूटा हुआ है
तो सबसे पहले आपको इवन और ऑड नंबर की जो प्रॉपर्टी नंबर पता होना चाहिए। जितने भी नंबर मैंने आपको कराए हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, जितने भी नंबर आपको कराए हैं सब याद होना चाहिए, तभी आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए आप टू डू आइस के साथ, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।